संबोधित करेंगे जो भी उत्पन्न प्रभावित होगा। हाँ, नहीं तो एक के ऊपर एक। और अपने फर्म को और मीडिया को अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। तो ये अच्छा हुआ कि दिवाली मिलन आज आप सबके साथ होना हुआ और साथ ही साथ कुछ बात भी करेंगे हम लोग। तो मेरा जो है चुनाव के बाद ये पहला ट्रिप है मुंबई आना, और आप जानते हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार जो है शुरू से हम बहुत तेज़ गति से काम करना हमारा शुरू हो गया है, और हमारा लक्ष्य जो है विकसित भारत है। पर विकसित भारत होने के लिए हमें जो है विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए, और हमें विकसित महाराष्ट्र इसीलिए चाहिए कि अगर आप देखें आज़ादी के बाद इंडस्ट्री हो या टेक्नोलॉजी हो, लॉजिस्टिक्स पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, टैलेंट हो, ये जो है इसमें महाराष्ट्र का योगदान जो है नेशनल डेवलपमेंट में शुरू से मैं कहूँगा भारत के सब स्टेट में से हर समय ये एक लीडिंग स्टेट है। अब जब और मैं आप लोगों को थोड़ा परिचित करना चाहूँगा कि जो सरकार जो बनी थी तीसरे कार्यकाल में उसके बाद क्या क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है उसको अगर हमें ज़मीन में उतारना है तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में जो उसी पेज सेम पेज में हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिस पे देश भी भरोसा करे, दुनिया भी भरोसा करे कि ऐसी सरकार है कि कोई बड़ी प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, कोई लॉजिस्टिक्स हो, कि ये ऐसी सरकार है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम तो ज़रूर चाहेंगे कि ये डबल इंजन ग्रोथ जो बाकी जगह भी इतनी सक्सेसफुल हुई है वो महाराष्ट्र में भी हो। अब जैसे मैंने कहा विदेश नीति भी विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, ये विदेश नीति के लिए भी एक मैं कहूँगा मेन आज मेन टास्किंग जो हमारी हुई है प्रधानमंत्री से। और जो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री खुद बाहर गए हैं या बाकी लीडर्स बाकी देशों के लीडर्स भारत आए हैं, हाल ही में कल परसों जर्मनी के चांसलर थे, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई थी दिल्ली में, कि इन्वेस्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आजकल विदेश नीति की फोकस है। और एक्सपोर्ट बढ़ाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। और जो सरकार के निर्णय जो हुए हैं चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल में, उनमें से अगर मैं कुछ मैं जो सचमुच जो मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीशंस हैं, एक है कि देश में 12 इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे जहाँ इन्वेस्टमेंट हम जो हैं वो जोन्स तैयार करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आना, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ स्थापित करना, इंडस्ट्री स्थापित करना उसमें आसानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा और उसमें पोर्ट्स, खासकर महाराष्ट्र में जो पोर्ट्स की एक्सपेंशन होगी, नए बंदरगाह बनेंगे, जो लॉजिस्टिक्स, रेलवे, रोड, इनकी भी वृद्धि होगी। और जो स्किलिंग जो है निर्मला जी का जो बजट अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा होगा कि जो स्किलिंग, एजुकेशन, इंटर्नशिप, ताकि जो हमारी जो यंग जनरेशन जो है इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको कैसे तैयार करें, कि हम चाहते हैं कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाना है कि हमारी टैलेंट जो है वो एम्प्लॉयबल हो, और इसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जो जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी जो है ये खाली देश में नहीं है, ये एक किस्म से आज के ज़माने में हम एक ग्लोबल वर्क प्लेस देखते हैं कि और अलग अलग देशों में यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया में भी आज हमने समझौतों के कारण
ऐसी स्थिति के वहाँ उत्पन्न की है कि हमारे लोग जो हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं और रोजगारी के लिए भी जा सकते हैं। तो पिछले दिनों में जो विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य जो उल्लेखनीय बात जो है, एक तो जैसे मैंने कहा जर्मनी के चांसलर अभी अभी आए थे, कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री खुद जो हैं सिंगापुर गए थे, G7 के सम्मेलन में वह शामिल हुए, जो विकसित देश हैं जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ज़्यादातर वहाँ से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती थी। जब वो UN गए और US गए तो वहाँ जो मेन बड़ी कंपनी जो टेक्नोलॉजी लीडर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी मिले ताकि वहाँ से पूंजी निवेश यहाँ आए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस, डेवलपमेंट फोकस ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है ये तीसरे टर्म। अब किसी भी देश के लिए ये सब इसकी एक किस्म से ये केंद्र बिंदु तो है जरूर, परंतु इसके अलावा हमें सुरक्षा भी चाहिए क्योंकि वो एक किस्म से इट्स अ एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हो या काउंटरिंग टेररिज्म और जो हमारे पड़ोस में कभी कभी अस्थिरता होती है उसको हम कैसे मैनेज करें, तो नेबरहुड में भी घटनाएं हुई हैं और उसको भी हम मैं कहूँगा जरूर ठीक तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और दुनिया के पॉलिटिक्स में आज दुनिया एक एक वहाँ भी एक तनाव का सिचुएशन बना है, तो तीसरे कार्यकाल में मोदी जी का खुद इनिशिएटिव लेना यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में कि वो रूस भी गए हैं यूक्रेन भी गए हैं, पिछले कुछ दिन ब्रिक्स के कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ भी वो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है, तो हम वहाँ भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता था, हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न हो या कुछ और भी सोच हो तो ज़रूर, अगर कुछ ऐसे विषय है जहाँ मैं इससे ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना है आप ज़रूर यहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो कंडक्ट आप करें। बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रमुख मुद्दा रहा बांग्लादेशी घुसपैठी की, आपकी सरकार तीसरे टर्म में आ चुकी है, आपने कितने बांग्लादेशियों को चिन्हित किया, उनको वापस भेजा या किस तरह से रोकी, उसमें थोड़ा सा विस्तार बताओ। मैं वन टू वन करूँ या दो तीन ले लूँ साथ? मुझे लगता है दो तीन एक साथ में रहेगा तो जी बोले। सर मेरा प्रश्न है कि आपने बोला कि देश में 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, उसके लिए पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि हर स्टेट की पॉलिसी अलग अलग होगी, देश के लोग अपने यहाँ काम कर इंडस्ट्री डालने के बाद उन लोगों को हमारे यहाँ की पॉलिसी उन लोगों को बराबर नहीं लगती है, इसीलिए वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको काम करूँगा कि चाइना और इंडिया का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दूसरी विकसित भारत की बात आपने की, मैं संजीव शुक्ल नौसत्ता से, और विकसित भारत की बात आपने की तो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज आपकी उसमें क्या है? दूसरा जब आप कहते हैं कि 2047 में हम विकसित भारत हो जाएंगे तो लोगों की महत्वाकांक्षा ये भी बढ़ती है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें, तो क्या संभव है क्या और कब तक संभव हो सकता है? मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ, बांग्लादेश का विषय जो है, पिछले दशक में सीमा पे परिवर्तन जरूर आया है, आपने देखा होगा कि फेंसिंग में काफ़ी प्रगति हुई है, उसके कारण जो घुसपैठिया जो पहले जो आते थे जिस संख्या से आते थे वो बहुत कम हुआ है पहले की तुलना से। अब आप ये भी जानते हैं कि कुछ महीने पहले वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, शासन बदला, उस माहौल में कुछ और वहाँ उनके सीमा पे कुछ कोशिश तो हुई थी और हमें जो है अपनी ओर से कार्रवाई करनी पड़ी, पर मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दिलाता हूँ कि
ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम जरूर करेंगे। जहाँ जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है हम जरूर, अब ये हमारा हक भी है, दायित्व भी बनता है। और ये खाली बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है, आप जानते हैं कि म्यांमार में भी आजकल अस्थिरता के कारण थोड़ा वो कुछ लोग शरण के नाम पे, मन कुछ सचमुच शरणार्थी हैं, कुछ बहुत लोग नहीं भी हैं। तो हम लोग जो हैं वहाँ के बॉर्डर में भी, अब जो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया है। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो पहले की सोच जो थी कि हमें जो है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें बॉर्डर को वैसे ही छोड़ना चाहिए, जो आए वो आए, ये वो ज़माना बंद हो गया, वो 14 में बंद हो गया था। और हम जो है बॉर्डर को वहाँ जितना हमें टाइट करना है हम जरूर टाइट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपका जो सवाल जो था कि ये अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग नीति होती, जो आप कहते हैं सच है, और कहीं नीति भी अलग होती है, कभी कभी नियत भी अलग होती है। कि कुछ सरकारें, इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की ज़रूरत है, कि ज़मीन में किसको उतारना है, वो राज्य सरकार को उतारना है कोई प्रोजेक्ट। तो जो केंद्र सरकार जो है वो भारत, एक किस्म से भारत की इमेज, ब्रांडिंग, भारत के हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती, और मोदी जी इसी पे आप देखेंगे कि वो कितना परिश्रम करते हैं, जब बाहर जाते हैं कितने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस उनकी ओर से जो एफर्ट जो लगता है। पर जब अंत में जब कोई भी डिसीशन लेता है कि भारत में मुझे फैक्ट्री बसानी है, रोजगारी बढ़ानी है, तो वो तो केंद्र राज्य सरकार कोई स्टेट में तो आएंगे वहाँ। तो हमारी ओर से ये जो जोन्स जो हैं, ये इनकी घोषणा हो चुकी है 12 जोन्स की। तो इसमें जो है ये, क्योंकि इनके साइज लोकेशन भी अलग है, उनका साइज भी कुछ अलग है, और हर जोन की अपनी खासियत होगी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी, तो उसका जो फिटिंग जो होगा वो वही तय करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आएँ जो जोन को ही डेवलप करें, तो इसमें भी हम भी करेंगे, पर हम इसमें भी ओपन है कि बाहर के लोग आएँ। पर अंत में इसकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा, माने एक किस्म उसकी साझेदारी जो है, माने सचमुच पॉजिटिव सिंसियर इफेक्टिव पार्टनर बने। और इसीलिए, और हम जितना हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं वो देश के लिए अच्छा है, कि ये स्टेट जो है ज़रूर कम्पीट करेंगे। और हम भी चाहते हैं, जो हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि अलग अलग स्टेट्स, सब राज्य सरकार एक दूसरे के साथ जो स्पर्धा जो है वो देश के हित में है, कि क्योंकि इसमें सबको एक किस्म से चांस भी मिलता है। पर मैं कहूँगा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है भारत में, और महाराष्ट्र की दुनिया में एक छवि भी बनी। और मैंने, क्योंकि मैं जब इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ उनका बहुत इंटरेस्ट होता है महाराष्ट्र, तो उनके लिए महाराष्ट्र में जो है, जो पॉलिसी कंटिन्यूटी प्रेडिक्टेबिलिटी, महाराष्ट्र केंद्र सरकार साथ साथ हों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तभी महाराष्ट्र आए। जो आपका जो विकसित भारत वाला जो प्रश्न या टिप्पणी जो भी आप कहें, देखिए ऐसा है, मैंने जरूर कुछ एक गोल्डमैन सैक्स की स्टडी कि जब कि 2075 में दुनिया की स्थिति क्या होगी, अगर वो स्टडी आप ही उसको देखिए, आप उसको गूगल कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि भारत कहाँ तक पहुँच सकता है, कि संभावना क्या है। पर ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हम जो है आज हम पाँचवें नंबर पे
जीडीपी के हिसाब से। 10 साल पहले हम 10वें नंबर में थे। अब ये अपने आप नहीं हुआ, इसके लिए माने लीडरशिप चाहिए, विजन चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, मेहनत चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, ईजियर टू डू बिजनेस चाहिए, ईजी टू लिविंग चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो ये सब इसकी संधि जो है ये सब मिलजुल कर हम वहाँ तक पहुँचते हैं।